हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप लोगों का लाख लाख शुक्रिया। जितना शुक्रिया बोलूंगी उतना ही कम है। हाँ, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मेरे हस्बैंड को समझाया और मतलब कि उनको इतना बोला है तो जो मेरे हस्बैंड है वो मान चुके हैं और वो इतने खुश हो गए हैं और उन्होंने आज मेरे को फ़ोन किया है। और उन्होंने मेरे को फ़ोन करके सबसे पहले तो उन्होंने मेरे से माफ़ी मांगी है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ से माफ़ी मांग सकता है और एक जो लेडीज़ होती है वो भी अपने पतिदेव से माफ़ी मांग सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि सावन जी में और मेरे में प्यार बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों पति पत्नी हैं और बहुत ज़्यादा प्यार है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, बिल्कुल भी। आज अगर मैं 4 दिन मैं रही हूँ, आप लोगों ने देखा था कि मेरी क्या कंडीशन थी, मैं कैसे कैसे रो रही थी, मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी क्योंकि मैं मेरे पति के बिना नहीं रह सकती हूँ और ये इम्पॉसिबल था। ठीक है, तो बस आज उनका मेरे पास फ़ोन आया है और उन्होंने सबसे पहले मेरे से माफ़ी मांगी है और उसके बाद में बस उन्होंने 2-3 चीज़ें प्यार की बोली है, जैसे कि मैं नहीं रह सकता हूँ तेरे बिना और तेरी याद आ रही है और वो बोल रहे हैं कि अब कुछ भी हो बस मैं तेरे को लेने के लिए आ रहा हूँ। तो 2 या 3 दिन में वो आ जाएंगे। फिर उन्होंने मेरे सासू जी को भी समझाया है और फिर मेरे सास जी का भी बाद में मेरे को फ़ोन आया है और रिलेटिव बहुत सारे रिलेटिव होते हैं वो भी मम्मी जी को समझाया, मतलब जो हमारे सासू जी हैं उनको समझाया है। तो मेरे सासू जी का भी मेरे पास में फ़ोन आया था आज और उन्होंने भी पहले तो माफ़ी मांगी है मेरे से कि बेटा कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम तुम्हारा मतलब आपसे बड़े हैं और हमारी गलती हो गई है और अपन सारी चीज़ें घर में डिस्कस करते हैं। तो बस दोस्तों, हमें जो भी हमारा मैटर है, जो भी चीज़ें हैं, हम हमारे घर में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जितने भी वीडियोस मैंने आपको दिखाए थे वो सारे वीडियोस मैं रिमूव कर रही हूँ और हमारा जो भी डिसीजन होगा आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारी चीज़ें मैं आपको एक वीडियो बना के मैं आपको बाद में दूंगी। उससे पहले तो मैं मेरा जो डेली व्लॉगिंग जो रूटीन था बस वही मैं करूँगी। मेन चीज़ वही थी कि जो मम्मी जी थे और जो सावन जी थे वो मान नहीं रहे थे और अब उन्होंने भी वो भी मतलब कि मान चुके हैं और दोनों खुश हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा खुश मैं भी हूँ कि चलो हमारा जो रिश्ता है वो बरकरार है और हम भी देखो बात बहुत ज़्यादा आगे तक चली गई थी और मुझे भी फिर ऐसा लगा कि अगर ज़्यादा होगा तो बात आगे बढ़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि अंकित मान जी बेटा नहीं, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी जो बातें हैं वो डिवोर्स तक भी आ गई थी। तो देखो, मैं बिल्कुल भी उनसे डिवोर्स लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको पता है कि सावंत मेरी लाइफ है और सावंत मेरी ज़िंदगी है। ठीक है, थोड़ी बहुत हो जाती है, इंसान से ही होता है। देखो, हस्बैंड वाइफ है तो चल छोटी मोटी, देखो किसी घर में नहीं होती, सबके घर में होती है और सबके घर में चलती रहती है। और थोड़ी बहुत गलती मेरी भी थी कि मैं सोशल मीडिया पर सारी चीज़ों को लेके आई हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि थोड़ा बहुत मामला तो क्रिएट होता ही है, समझ रहे हो आप। बट मेरा सोशल मीडिया पे लाना कोई एक गलत इंटेंशन से मैं वीडियो नहीं लाई थी, मैं एक अच्छे वे में वीडियो लाई थी कि कल को किसी के भी साथ में हो तो एक लड़की को फैसला लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने फैसला लिया था और मैंने अच्छे वे में फैसला लिया था, ठीक है, गलत वे में नहीं लिया। किसी के साथ में हो सकता है, आप लोगों के साथ में भी हो सकता है, तो एक लड़की को स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लड़की फैमिली में रह रही है तो मतलब कुछ नहीं कर सकती, उसको अलग से सोचना चाहिए, उसकी एक लाइफ होती है तो उसको भी सारी चीज़ों का सामना करना चाहिए, जिससे कि उसके जो फैमिली वाले हैं जो पहले नाराज़ रहते हैं बाद में धीरे धीरे वो मन जाएं। तो मेरे फैमिली वाले मान चुके हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और 2 दिन बाद में सावन जी भी आने वाले हैं और उन्होंने सारी चीज़ों की माफ़ी मांग ली है और जो मम्मी जी हैं उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है और उन्होंने मेरे को बोल भी दिया है कि आप एक काम करो, ये सारे वीडियोस आप डिलीट कर दो। तो देखो, अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मेरा वीडियोस डिलीट कर दूंगी। मुझे कोई यहाँ से व्यूज़ नहीं कमाने, ठीक है, मुझे कोई व्यूज़ नहीं कमाना यहाँ से, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो मैं वीडियो सारे जितने भी फाइटिंग के जो वीडियोज़ थी वो सब मैं डिलीट करने जा रही हूँ और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि व्यूज़ पाना उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है,
क्योंकि व्यूज मेरे में कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेरे में टैलेंट बहुत है, व्यूज मैं कमा लूंगी। और यहाँ पे जितने भी हेटर बैठे हैं ना, हेटर जो ये मेरी वीडियोस देख रहे हैं, हाँ सिखाते हो ना एक दूसरे लोगों को, सिखा रहे हो ना एक दूसरे लोगों को, बेटा मत सिखाओ, ज्योति में बहुत टैलेंट है, समझे ना। सब पकड़ लेती हूँ मैं तुम्हारी, ठीक है। और ज्योति में इतना टैलेंट है कि आंसू भवा भवा के नहीं, वो वैसे भी व्यूज ला सकती है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे 15 लाख फॉलोवर ऐसे ही नहीं किए मैंने, बेटा टैलेंट है मेरे में, इस वजह से मैंने किया है। और यूट्यूब में अगर मैं मेरा टैलेंट दिखाऊंगी तो यूट्यूब भी वायरल हो जाएगा, ठीक है। हाँ लगता है, अभी 1 महीना हुआ है मेरे को यूट्यूब चलाते हुए, और यूट्यूब पे 18,000 फॉलोवर्स बहुत मायने रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे में अगर है टैलेंट तो मैं लाऊंगी, और जितना भी ये मेरा पब्लिक मेरे देख रहे हैं तो आपको, आप लोगों को भी पता ही है कि देखो मेरे वीडियोस होते हैं वो अच्छे ही होते हैं और आप लोग देखते भी हो, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ हैटर्स हैं, ये वीडियोस, ये जो लव्स हैं मेरे वो हैटर्स के लिए, बाकी जो मेरे लव करते हैं ना, मेरे से जो लव करते हैं वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो जो ये हैटर्स है ना, वो ये बात समझो, ये चुगलखोरी, इधर की उधर बोलना, उधर इधर बोलना, ये कम करो थोड़ा, ठीक है, ये कम करो बेटा, आगे चलो, इस वजह से पीछे रह गए हो आप, आगे बढ़ो। और ये कंट्रोवर्सी कर रहे हो ना, अभी ये कंट्रोवर्सी करना बंद कर दो, ठीक है, और लाइफ में आगे बढ़ो। इसी कंट्रोवर्सी की वजह से आप आज भी यहीं पे ही हो, समझे। हाँ तो हेटर्स को साइड में हटाते हैं, अब लवर्स की बात करते हैं। आप लोगों का तो दिल से जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है, क्योंकि ये जो भी चीजें हुई है ये आप लोगों की वजह से ही हुई है। आप लोग अगर नहीं होते, अगर मैं ये सारी चीजें आपको नहीं समझाती तो पता नहीं कुछ भी हो सकता था। बट मैंने ये सारी चीजें आपको बोली, आपने सावन जी को मैसेज किया, कमेंट किया, और जो भी यहाँ पे जिनके मतलब जिनके पास में हमारे नंबर थे, सारी चीजें थी, उन्होंने मतलब मेरी सासू माँ को मैसेज किया, फोन किया, तो उन उस वजह से मतलब कि उनको अपनी गलती रियलाइज हुई, गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने पर्सनली मुझे फोन किया। मम्मी जी ने भी माफी मांगी है, और मैं देखो मम्मी से प्यार करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मेरी सासू जी से बहुत प्यार करती हूँ। देखो छोटी मोटी सबके घर में चलती है, आपके घर में भी चलती है, और अगर उनकी गलती थी तो अगर देखो मेरी भी गलती थी कि मेरे को ये सोशल मीडिया पे नहीं लानी चाहिए थी, और ठीक है कोई बात नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको भी अपना ही समझा था, इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे लेके आई हूँ, और वो थोड़ी सी गलती मैं मेरी रियलाइज कर रही हूँ। अब जैसे सावन जी आएंगे और हम सारे के सारे बैठ के फैसला कर लेंगे, जो भी हमारा होगा, लेकिन पॉजिटिव वे में ही होगा, कुछ भी हम फैसला लेंगे तो अच्छा ही लेंगे, मतलब बुरा नहीं लेंगे। तो बस मैं मेरे पतिदेव का वेट करूंगी, बोल तो रही है वो 2 दिन में आएंगे, बट देखो मैं कन्फर्म नहीं कह सकती हूँ कि वो 2 दिन में आएंगे, बट हाँ मतलब कि अगर आप उनकी जो रिकॉर्डिंग, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग भी करी है, लेकिन वही चीज़ है यार, उनको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उनकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, अगर आप उनकी रिकॉर्डिंग सुनना चाहो तो आप वो भी मेरे को बता देना, और नहीं सुनना चाहो तो वो भी बता देना, या मम्मी जी ने मतलब कि मेरे को बात करी थी, मम्मी जी से मैंने बात करी थी, तो अगर वो भी आप सुनना चाहो तो बता देना, अगर नहीं सुनना चाहो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो अभी के लिए चलती हूँ मैं, बाय बाय। और हाँ कल से अपने डेली व्लॉग्स आएंगे, ठीक है। तो कल से अपने डेली व्लॉग्स आएंगे, और आपकी ज्योति दीदी आज से फ्री माइंड हो चुकी है, तो पति जी भी मान गए, सासू जी भी मान गई, अब मुझे क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अब डेली बस ठीक 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 दांत वाले वीडियोज आएंगे, मजे लेंगे, इंजॉय करेंगे, लाइफ करेंगे। जो हैटर्स है ना, हैटर्स को बाय बाय भाई, आए बने, अरे खुद तो पता नहीं कहाँ पड़े हैं ये हेटर्स, और मतलब खुद का कोई मतलब नहीं है, खुद मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाए, और दूसरा अगर कोई आगे बढ़ता है तो पीछे से मतलब क्या है, कुछ नहीं है बेटा। और वो बेड जो थे की काम का गोनी थे, हेटर्स की काम का गोनी थे, अरे इतनी नफरत मना कर बोकरो, अगर थाने नफरत ही करनी है तो थे थारा थोबड़ा सु नफरत करो, जो थे कभी आगे बढ़ी वो नहीं पाया। बाकी जो लवर्स है उनको थैंक यू सो मच, और अभी के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों ने मेरी बहुत मदद करी है, और मुझे मेरे पति से मिलवा दिया, मुझे मेरी सास से मिलवा दिया, लव यू लॉट। और ये जो भी चीजें हुई है ना, वो अभी एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले ही हुई है, ठीक है, अभी 2-3 घंटे पहले ही हुई है, और ये वीडियो अभी प्रेजेंट टाइम का ही है, और मैं अभी आपको पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं गया, मैंने सोचा भाई पहले मैं मेरे फ्रेंड्स को बताऊं, तो मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैंने आपको बताई ये चीज। तो बाय बाय, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी टूडे, बहुत खुश हूँ, और कल से मेरे डेली व्लॉग्स आएंगे, आप देखना, ओके, बाय बाय।